मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मेरी और साहिल की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। ओके, तो आज हमारे साथ साहिल है जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा से हैं और इनका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में 9th क्लास में सिलेक्शन हुआ है। तो ये अपना रोल नंबर बताएंगे आपको और अभी तक लक्ष्य एकेडमी के साथ इनका जर्नी कैसा रहा है वो एकदम प्रॉपर आपको बताएंगे और कि इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि 1 मंथ इन्होंने जब कोचिंग लिया तो उसमें इनका सिलेक्शन हो गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के लिए। ओके, तो साहिल वेलकम टू आवर लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो अपना नाम बताइए, अपना रोल नंबर बताइए हमारे व्यूअर्स को। माय नेम इज साहिल एंड माय रोल नंबर इज 902758 इन RMS CET 2020। ओके, तो जैसे आपने सुना कि इनका जो रोल नंबर था और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के इनका सिलेक्शन हुआ है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जब धौलपुर में आपका सिलेक्शन हुआ, रिटर्न में जब आपका 22 अक्टूबर को रिजल्ट आया, आपने चेक किया, तो सबसे पहले आपके मन में क्या चीज थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपने जैसे बताया कि 1 मंथ इतने कम समय में आपने प्रिपेयर करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिटर्न एग्जाम निकाला है, तो आपके मन में क्या क्या उस समय डाउट्स थे? और सेकेंड प्लान मतलब कि प्लान बी क्या था कि अगर मिलिट्री स्कूल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर क्या हम अपीयर होंगे या फिर इसके बाद हमको क्या करना है, तो बताइए। सर, मैंने 1 महीना पढ़ाई की थी, मेरे को लगा था कि मेरा हो जाएगा, इतना था कि मेरे मार्क्स बन रहे थे। मैंने लक्ष्य एकेडमी से अच्छे से पढ़ा था, पहले में मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, पर बाकी बच्चों के मार्क्स देख के मेरे को मोटिवेट हुआ। सर ने मेरे को बहुत सारे मैथ्स के सॉल्व और साइंस भी बहुत सारी पढ़ाई, एक बुक 3-4 बार रिवाइज कराते थे, जिसकी वजह से मेरी साइंस और मैथ्स अच्छी हो गई। उसके बाद मैंने 1 महीने मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मैंने 10 दिन का काम था, फिर हो गया लक्ष्य एकेडमी के साथ और सब अच्छा रहा और मेरा हो गया एग्जाम। ओके, तो जैसे आपने सुना कि इनका जो 1 मंथ पे जो उनकी स्ट्रेटेजी थी एकदम पॉइंट टू पॉइंट थी, मैंने आपको पहले ही बताया, अपने ऑनलाइन क्लास में बताता हूँ कि एक बुक को 3 बार पढ़िए, ना कि 3 बुक को 1 बार पढ़िए। एक बुक को जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपको बहुत सारे उनमें से डाउट्स क्लियर होंगे और नई बातें आपको समझ में आएंगी। ओके, तो एक बुक जो आपकी NCERT बुक है क्लास 8 के लिए सफिशियंट है, उसी में साइंस का पेपर आपको मिल जाएगा मिलिट्री स्कूल का, तो उसी को आप बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज का मतलब ये नहीं कि आपको रटना है, उसकी जो चीजें आपको समझनी है प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको आपको सॉल्व करना है। और मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, वेदर इंटरव्यू के या फिर टेस्ट के, आपको हमेशा लगाने चाहिए, जिससे आपको पैटर्न का पता लगेगा और आपको ये पता लगेगा कि आप कौन से टॉपिक में वीक हो। उस पर आपको मेहनत करना है, उस मेहनत से ही आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो हमारे व्यूअर्स को और कुछ आप बताना चाहते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जिनका सिलेक्शन हो गया है तो वो भी अपने आगे की जो क्लासेस में स्ट्रेटेजी अपनाए, कम समय में अच्छी स्ट्रेटेजी ही आपका सिलेक्शन होता है। ओके, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। अगर आपका नहीं हुआ है RMS में, कोई बात नहीं, अभी सैनिक और RMS 2021 भी आएगा, उसमें आप कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसी ये सैनिक स्कूल की जो फॉर्म्स है वो भी शायद अभी ऑनलाइन है, जिनका फॉर्म नहीं भरा गया वो अपने फॉर्म भरिए। और अभी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की फॉर्म है, उसके बाद अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भी आने वाला है, जल्द आ जाएगा। तो जिन जिन की कैंडिडेट्स की जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन मोड ऑन है, ऑनलाइन मोड भी ऑन है, 9636961534 पे आप क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो मेरे और साहिल की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। आप एक बार हैप्पी दिवाली बोल दीजिए। हैप्पी दिवाली एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।